सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पे बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को जरूर क्लिक कीजिए। वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक के लिए मैं यहाँ पे सिंपल मेकअप बता रही हूँ। इसके लिए फर्स्ट अपना चेहरे को हम प्रेप एंड प्राइम कर लेना चाहिए। मैं ऑलरेडी चेहरे को सनस्क्रीन अप्लाई कर चुकी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे ना सीरम अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सीरम अप्लाई कर रही हूँ, गुड वाइब्स की स्किन ग्लो सीरम अप्लाई कर रही हूँ। ये ऑयलीनेस को कंट्रोल करती है। अगर आप वेडिंग पार्टी में जाना है तो कंपल्सरी आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो चेहरे को सीरम अप्लाई। मैं यहाँ पे ये सीरम चूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड के सीरम यूज़ कर सकते हैं। अभी सीरम अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे ना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैं वेनिला मॉइस्चराइज़र चूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स की। क्योंकि मेकअप अप्लाई करने के पहले सीरम मॉइस्चराइज़र कंपलसरी अप्लाई करना है। इससे मेकअप फॉलेस देता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बेस को ना बहुत स्मूथ फिनिश देता है। इसलिए मेकअप अप्लाई करने के पहले स्किन केयर कंपलसरी है। इससे चेहरे के ऊपर पिंपल्स एक्ने भी नहीं होगा आप मेकअप अप्लाई करने के बाद। फेस को मॉइस्चराइज अप्लाई करने के बाद अब प्राइमर अप्लाई करना है। मैं प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे लैक्मी 925 एक्वा प्राइमर जो यूज कर रही हूँ। स्किन ग्लो रहेगा और मेकअप भी फॉलेस दिखता है। मेकअप के पहले प्राइमर अप्लाई करने से मेकअप का बेस जो है बहुत स्मूथ आएगा। प्राइमर अप्लाई करने के बाद आप सेकंड गैप के बाद आप फाउंडेशन स्टार्ट करना चाहिए। फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन यहाँ पे रेवलॉन कलरस्टे फाउंडेशन चूज़ कर रही हूँ। ये 24 आवर्स तक लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है तो इसलिए मैं ये फाउंडेशन चूज़ कर रही हूँ। अगर आप शादी पार्टी में फंक्शन में जाना है तो आप लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन को चूज़ कीजिए। इसे मेकअप लॉन्ग लास्टिंग तक टिका रहता है और ये SPF 15 भी है इस फाउंडेशन में। तो आप समर का मौसम में पार्टी फंक्शन जाना है तो इस फाउंडेशन को आप चूज़ करने से मेकअप भी फॉलेस रहता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और स्वेट प्रूफ भी है ये फाउंडेशन। इसको मैं नायका ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं इस ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को अच्छा सा ब्लेंड कर चुकी हूँ। अभी मेरा अंडर आइज़ को ना लाइटन करने के लिए मैं यहाँ पे डार्लिंग इस बेला की कंसीलर चूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे डार्क सर्कल्स और जहाँ जहाँ अनइवन स्किन है उसको कंसीलर से कवर कर लेती हूँ। अगर आपके आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, अगर चेहरे के ऊपर कहीं अनइवन स्किन पिगमेंटेशन है तो उसको कवर करने के लिए आप कंसीलर जरूर यूज़ कीजिए। मैं इस कंसीलर के ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ। मैं कंसीलर को अच्छा सा ब्लेंड कर चुकी हूँ। अभी मेरे डार्क सर्कल्स अनइवन स्किन टोटल कवर हो चुकी हैं। अभी मैं ना इस कंसीलर को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे रेवलॉन लूज पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ए लूज फिनिशिंग पाउडर, ए लाइट वेट पाउडर है। इसमें जो पैचला दिया हुआ इसकी मदद से मैं फेस को पूरा सेट कर ले रही हूँ। आप देख सकते हो मैं लूज पाउडर से फाउंडेशन को सेट कर चुकी हूँ। अभी मेरा बेस मेकअप कम्प्लीट हो चुकी है। कमिंग टू द आईज, मैं आईज़ के लिए मैं यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ। मैं आईज़ के लिए यहाँ पे ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, NYB की ब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरे आईब्रोज को थोड़ा डिफाइंड लुक देने के लिए। फेस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है आईब्रोज, तो आईब्रोज को कंपलसरी फिल कर लेना चाहिए।
मैं नॉर्मली मेरा आईब्रोज को ना आईब्रो पेंसिल यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये वेडिंग एंड शादी पार्टी मेकअप है, तो इसके लिए तो कंपलसरी हम आईब्रोज तो फिल कर लेना चाहिए। अब देख सकते हो मेरे आईब्रोज को मैं फिल कर चुकी हूँ। अभी कमिंग टू द आईज के लिए मैं ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं कर रही हूँ, आईज के लिए मैं सिंपल सा आई शेडो अप्लाई करूँगी। मैं आईज के लिए भी यहाँ पे रेवलॉन आई शेडो पैलेट चूज़ करें, इसमें सिंपल सा आई मेकअप कर लेती हूँ। आई मेकअप के लिए मैं ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ, सिंपल सा सिंगल आई शेडो यूज़ करती हूँ। मैं मेरा आउटफिट को मैच होने के लिए मैं सिंपल कलर चूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा जो आउटफिट में रेड है और ब्लू कलर ज़्यादा है, तो इसलिए मैं ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ आई शेडो। इसलिए मैं एप्लीकेटर से ब्लू कलर आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा मिस्सी रहता है, लेकिन मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करने से अच्छे से परफेक्ट लुक आता है अपना आईज को। कुछ भी आपका आउटफिट को जो भी सूट होता है वो उस आई शेडो आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ना आई शेडो से अप्लाई कर रही हूँ, इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ब्लेंड के लिए थोड़ा टाइम पकड़ता है, लेकिन आप आई शेडो को जितना अच्छा ब्लेंड करोगे, आप देख सकते हो मैं आई शेडो ब्लेंड कर चुकी हूँ। और इसी आई शेडो पैलेट से मैं यहाँ पे सिल्वर स्मोक पर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ड्रेस ना मेरा आउटफिट में सिल्वर कलर भी मैच हुआ है, तो इसलिए मैं सिल्वर कलर अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे आई शेडो एप्लीकेटर है, इससे मैं सिल्वर कलर आई शेड को मैं मेरे आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। सिल्वर शेड अप्लाई कर चुकी हूँ, इस शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लेना चाहिए। यहाँ पे ना मैं आईलिड्स को डिफाइनिंग लुक देने के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइड सिंगल ग्लिटर आई शेडो चूज़ कर रही हूँ। सिल्वर कलर यहाँ पे चूज़ कर रही हूँ, इस सिल्वर शेड को मेरे आईलिड्स के ऊपर अप्लाई कर लेती हूँ। आप इसको सिंगली भी अप्लाई कर सकती हो, आप बेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा आई शेडो डिफाइन दिखने के लिए मैं बेस के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप बिल्कुल ऑप्शन है, कैसे भी चूज कर सकते हो। अभी आई शेडो मेकअप कंप्लीट है। अभी कमिंग टू द आईज के लिए मैं यहाँ पे लाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर NYB के जेल लाइनर यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं जेल लाइनर परफेक्टली अप्लाई कर चुकी हूँ। अगर आपको जेल लाइनर अप्लाई करना नहीं आता है, तो मैं इसका वीडियो भी बना चुकी हूँ। इसका लिंक चाहिए तो मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जेल लाइनर को परफेक्टली कैसे लगाना है तो वो ट्यूटोरियल आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें ना मैं लोअर वाटर लाइन पर काजल अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर काजल मैं स्टेकरी की बैडास्ट काजल यूज़ कर रही हूँ। ये वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ मेरे लोअर वाटर लाइन पर। व्हाइट पेरल काजल अप्लाई कर चुकी हूँ, क्योंकि अगर आपका आइस छोटे हैं उसको बड़ा दिखना है, तो आईलाइनर अप्लाई करने के बाद लोअर वाटर लाइन पे आप व्हाइट काजल अप्लाई कीजिए, इससे आपका आइस बिगर दिखता है। अभी कमिंग टू द मस्कारा, मैं इस मेकअप लुक में फॉल्स लैशेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मेरे लैशेस को थोड़ा वॉल्यूम देखने के लिए मैं यहाँ पे मेबेलिन न्यूयॉर्क वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा चूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ब्रांड की मस्कारा चूज़ कर सकते हैं। मेरे कंप्लीट आई मेकअप डन हो चुकी है।
मैं यहाँ पे लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यहाँ पे लिप मॉइस्चराइजर वेनिला बटर मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। अभी कमिंग टू द फेस को, मैं फेस को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लश एंड हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्लश फेसेस कनाडा की ग्लैम ऑन ब्लश यूज़ कर रही हूँ। चीक्स नेचुरली पिंकिश दिखने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फिर अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ इस ब्लश को। अब ब्लश अप्लाई कर चुके हैं, फिर लास्ट एंड फाइनल स्टेप है हाईलाइटर। हाईलाइटर से फेस मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन कलर स्टिक की हाईलाइटिंग स्टिक। मैं यहाँ पे मैक्सिमम जितना भी प्रोडक्ट यूज़ कर चुकी हूँ, फाउंडेशन, लूज पाउडर, हाईलाइटर, सब कुछ ना रेवलॉन की है, क्योंकि रेवलॉन की शादी फंक्शन जाने के पहले ये रेवलॉन की प्रोडक्ट्स आप यूज़ करने से मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपका मेकअप भी नेचुरली दिखता है। मैं हाईलाइटर को मेरे नोज एरिया पे, मेरा आईबोन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ और मेरा चीक बोन एरिया पे हाईलाइट कर रही हूँ। इस हाईलाइटर को मैं फिंगर की मदद से ब्लेंड करती हूँ। अभी कंप्लीट मेरा फेस मेकअप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लास्ट एंड फाइनली लिपस्टिक। मैं यहाँ पे लिपस्टिक लॉरियल पेरिस लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे शेड 114 शेड चूज़ कर रही हूँ। आप देख सकती हूँ मैं इस शेड को चूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस शेड मेरा ड्रेस कलर पे मैच होता है। अब ये है मेरे कंप्लीट फेस मेकअप, ये है मेरे पार्टी एंड गेस्ट मेकअप लुक। अभी इस लुक में ना मैं यहाँ पे लास्ट एंड फाइनली इयररिंग चूज़ कर रही हूँ। ये है इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। अगर आप लोगों को मेरी इस मेकअप लुक अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसे मेकअप ट्यूटोरियल चाहिए तो आप वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपका रिक्वेस्टेड वीडियो मैं 2 से 3 दिन के अंदर बना देती हूँ और उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों का नाम भी मेंशन करती हूँ। इसके लिए आप हमेशा मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एवरटीन एप्लीकेटेड टैम्पॉन्स। अगर आप पीरियड्स का प्रॉब्लम ज़्यादा ही है, पीरियड्स के टाइम पे पैड को स्किप करना चाहे तो आप पीरियड्स की जगह एवरटीन टैम्पोन को इस्तेमाल कीजिए। एवरटीन टैम्पोन, अगर आप पैड की जगह एवरटीन टैम्पोन को आप इस्तेमाल करने से और 12 आवर लीकेज प्रूफ प्रोडक्शन देती हैं। आप ये एवरटीन टैम्पोन्स को इस्तेमाल करके पार्टी, फंक्शंस, आउटडोर स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकती हो। अपना ओन एक्टिविटीज़ को स्किप नहीं करना चाहे तो ज़रूर इस एवरटीन टैम्पोन्स को आप पीरियड्स के टाइम पर यूज़ कीजिए। पैड को कम्प्लीटली स्किप करके एवरटीन टैम्पोन्स को यूज़ करने से आप बहुत कंफर्ट फील होंगे और 100% ये लीकेज प्रोटेक्शन भी है। अगर आप इस एवरटीन टैम्पोन को खरीदना है तो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक करके खरीद सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीस ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।